तो खुद प्रियंका की माता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। माता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी विशेष अफसर बनी है, मुझे बहुत खुशी है और पूरे समाज पूरे गांव को बहुत खुशी है। आज मुझे अपनी बेटी का अभी मैं एक बार और देखना चाहती हूँ, मेरी बेटी विशेष एस और बनी। देखिए क्योंकि माता पिताओं का बहुत बड़ा संघर्ष होता है, खुद माँ इस बात को बताती हुई भावुक भी हो चुकी हैं, तो किस तरीके से संघर्ष करती थी आपकी प्रियंका बेटी? मुझे पूरी उम्मीद थी मेरी बेटी विशेष अफसर बनेगी। तो देखिए इस समय खुशी के आंसू हैं और खुद यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि बेटी डिप्टी जेलर बनी है। और आप देखिए क्योंकि गाँव से एक डिप्टी जेलर बनना बड़ी बात होती है, काफ़ी संघर्ष करा। तो जब दीदी का रिजल्ट आया उस समय आप कहाँ पर थे? हम मुआने से आ रहे थे और जब रिजल्ट आया जब घर पे थे और उस समय सब बैठे हुए थे, सब देख रहे थे आज रिजल्ट आ रहा है मेरी बेटी का। देखिए खुद भावुक भी होगी, सीधे बातचीत करते हैं। माँ भावुक हो ची आपकी सफलता पर क्या कहना चाहेंगे आप? माता पिता का भावुक होना बनता ही है क्योंकि बहुत दिनों बाद सफलता मिली है और बेटी इस तरह से ऑफिसर बने तो माता पिता भावुक होते ही है, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि उनकी आंखों में खुशी के आंसू हैं मेरी वजह से। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रियंका के बड़े भाई हैं। भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो कैसा माहौल है इस समय? सर माहौल बहुत अच्छा है गांव का, सभी बच्चे बहन से प्रेरणा लेने के लिए घर पर आ रहे हैं, रात भी 10 बजे तक बच्चे आते रहे, सभी लड़कियां आ रही है पूछ रही है कि किस तरीके से बहन आपने पढ़ाई की है, क्योंकि बहन बाहर रहती थी तो वो ज़्यादा उनसे परिचित नहीं थे। और अभी जब से बहन का रिजल्ट आया है उस दिन से एक दिन में ही सब कुछ बदल गया है जी। और बच्चे इतने उत्साहित हो रहे हैं लाइब्रेरी में भी पढ़ने के लिए, सभी लोगों ने बहन से पूछा है कि आपने किस किस टाइम पढ़ाई की है, कौन कौन सी बुक पढ़ी है, उस तरीके से क्या क्या टाइम टेबल रखा है, किस समय पढ़ना चाहिए, वो सभी चीज़ें बहन से उन्होंने पूछा है। और आ रहे बच्चे बहुत ज़्यादा उत्साहित है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में बच्चे हमारे गाँव से और भी IAS PCS निकल कर जाए। तो बातचीत कर लेते हैं, इसमें हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं डिप्टी जनरल मनी है प्रियंका, उन्हीं के पिताजी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद साहब। कैसा लग रहा है इस समय? इस समय बहुत अच्छा लग रहा है जी। मैं ग्राम मेवा से बिलोंग करता हूं और ग्राम मेवा में मैं एक किसान हूं और किसान की के तौर पर मेरा जो पढ़ाई लिखाई है मैंने भी ग्रेजुएट किया है और गाँव में 5 साल मैंने प्रधानी की है पिछले साल, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं ये चाहता हूँ देखो अपने बच्चे यदि अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात आप देखिए कि खुद भी शिक्षित हैं और गांव के प्रधान भी 5 साल आप रहे हैं अपने कार्यकाल में, और अभी मैंने गांव की लाइब्रेरी देखी वो भी यानी कि नेतृत्व में जिस तरीके से वहाँ पर विद्यार्थी लगातार आ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर गाँव के बच्चे कामयाब होंगे, सफलता की तरफ बढ़ेंगे। और भी बातचीत कर लेते हैं, तो किस तरह का माहौल है इस समय घर पर? इस समय माहौल बहुत अच्छा है, सभी लोग बधाई देने आ रहे हैं और इतना मतलब गांव में इतना उल्लास है कि उस चीज़ का मैं बयान नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा मतलब खुशी हो रही है। आपकी आपकी बेटी डिप्टी जेलर बनी है, किस तरीके से संघर्ष उनका रहा? जी हमारी बेटी डिप्टी जेलर बनी है पर उसका जो सपना है वो IAS का है, तो उसे एक दिन IAS जरूर बनना है, तो हमारा पूरा प्रयत्न रहेगा वो अपने मिशन में कामयाब होए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। किस तरीके से संघर्ष प्रियंका जी करती थी उसके बारे में थोड़ा आप बताएं। देखो प्रियंका जी जो हैं वो शुरू से ही उसमें इतनी लगन थी पढ़ने के लिए, जब वो छोटी सी थी तो 3 साल की ही बच्ची स्कूल में जाने लगी थी और धीरे धीरे उसने जब मवाना में एडमिशन लिया तो जैसे पहले ट्रैफिक में ये चलते थे छोटे हाथी वगैरह और ये वैसे तो टाइम पे सवारी भी नहीं मिलती थी पर वो नर्वस नहीं होती थी, उससे पहले ही 1 घंटा पहले तैयार हो जाती थी जिससे हम अपने समय पर स्कूल पहुँचे। और उसने फिर ग्रेजुएशन जो है वो मवाना से किया है मतलब ASPG कॉलेज से, और जो आगे जाके जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में DU में उन्होंने MSc मैथ से किया है, तो हम उसे लगातार मतलब प्रोत्साहन करते रहे अब बेटी तुम आगे बढ़ो, देखो जो चीज़ हमारे लिए हम नहीं कर सके तो आप उसे करके दिखाओ। बेटी का अपना सपना था उनको पापा जी मैं कभी आपको निराश नहीं होने दूंगी और अपने सफलता पे पूर्ण उतरूंगी। ये देखिए गांव में कोई सवारी का साधन नहीं था और वो समय से स्कूल पहुँचे या जहाँ भी वो पढ़ने जाती थी वहाँ पर समय से पहुँचे,
अपने घर से एक घंटे पहले निकल जाया करती थी, सर्दी हो चाहे गर्मी। उसमें उसने कभी ये नहीं देखा स्कूल की, कभी एक दिन की छुट्टी भी नहीं करी उसने कभी भी। हाँ बिल्कुल लगातार स्कूल में जाती रही है और हमें प्रोत्साहन करती रही है। जैसे हमें टीचरों से पता चला मगर टीचर कैसे पढ़ाई कर रही है हमारी बेटी, तो उन्होंने कहा कि यदि जितना हम पढ़ाते हैं उसे आगे जाने की कोशिश करती है, ये नहीं जितना काम दिया है तो उससे पीछे नहीं उससे आगे की सोचती है। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम कोमल है। क्या क्या लक्ष्य है आपका, क्या बनना है आपको? मैं अभी तो कॉन्स्टेबल की तैयारी कर रही हूँ, फिर एसआईटी करूँगी। प्रियंका जी डिप्टी जेलर बनी है, किस तरह का माहौल है गांव में, कितनी खुशी है इस समय? बहुत खुशी है सबको। हाँ जी। और जब जब उनका रिजल्ट आया उस समय आप कहाँ पर थे? यही पर थे। तो यहाँ पर फिर किस तरह का माहौल यहाँ पर शुरू हुआ उस समय? बहुत सब खुशी हुई है और सब प्रेरित हुए हैं। पर मिलिया आप दीदी से? हाँ मिल रही। बधाई दे दी आपने जी। तो क्या बातचीत हुई आपके और उनके बीच में? उन्होंने समझाया है कि मतलब अच्छे से पढ़ना और सबको प्रेरित करना पढ़ने के लिए। ये गांव मीवा की लाइब्रेरी है, यहाँ पर तमाम विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, कुछ एएसआई की तैयारी कर रहे हैं, कुछ एसआई की तैयारी कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हम आपको इस तरह की स्टोरी दिखाते रहेंगे, लेकिन अभी मेरठ के मीवा गाँव से इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट निशांत के साथ मैं हूँ भारत अदाना, अदाना टीवी न्यूज़ मेरठ।